पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि राहुल जी यहाँ से सांसद थे, वो सांसद निधि में नहीं खर्चा गए। इनको पता नहीं है यहाँ पर छाछा सांसद की निधि लगती थी राज्यसभा की, वो सचिन तेंदुलकर हो चाहे जो ना राजू शुक्ला हो, मतलब ऐसे जो ना छे छे जो ना राज्यसभा की जो ना सांसद रहती थी। इनकी नेता अभी अभी जो बता रहे हैं, इनकी नेता अभी 56 लाख रुपए उनका भी बैलेंस ही पड़ा हुआ, वो नहीं खर्चा कर पाई मंत्रालय, तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, रेलवे स्टेशन चले जाइए तो पत्थर निकाल के टाइल्स लगवा दिया, नाम बदल के नाम बदल दिया। आप बताइए उससे राहत होगी? जो बुजुर्ग हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो रेलवे में आरक्षण मिलता था, आरक्षण इन्होंने बंद कर दिया। आप अभी नॉर्मल में जाइए टिकट नहीं मिलेगा, आम जनता कैसे होगा? आप तत्काल में लीजिए 200-300 रुपया ज्यादा दीजिए तो आपको टिकट मिलेगा, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो इन्होंने लेपन का काम किया है। जब आप मुद्दों की बात करते हो, आप भी मैं वाजिब सवाल वहीं पूछना चाहता हूं, फिर मैं थोड़ी थोड़ी बात सबसे लूंगा, वो ये कि क्या सच में जनता मुद्दों पर वोट डाल रही है अमेठी जैसे इलाके में? क्योंकि जब हम प्रचार सुनते हैं तो हमको लगता है कि मुद्दों से ज्यादा नामों पर आकर ठहर गया है। बिल्कुल, आज 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 इसी बात की तो लड़ाई है, मुद्दों पे ही। युवा आज बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे जो ना इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये सब युवा जो बैठे हुए हैं बेरोजगार हो रहे हैं, 35-35 साल की उम्र हो जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो ये मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। आज मुद्दा से बीजेपी एकदम स्पोच होते जा रहे हैं, अमेठी नहीं पूरे देश में स्पोच होते जा रही है। आप देखिए बुरा हाल होते जा रहा है, और आने वाले समय में इंडिया की सरकार बनने जा रही है, और राहुल गांधी अगला जो है देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये एक सवाल खूब पूछा जाता है, प्रधानमंत्री कौन? एक जवाब आपने तो दे दिया, क्या है अमेठी में मुद्दा मामला, किस तरफ हवा? बस कांग्रेस, ये कांग्रेस को आना है अब की बार, कांग्रेस सरकार अब भारी भरकम मोटों से आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी कार्य हो रहा है देख रहे हैं, युवा एकदम बेरोजगार इधर उधर टहल रहे हैं, कोई रोजगार कोई वही नहीं है। सही बोल रहे हैं? जी जी सही बोल रहे हैं। कांग्रेस आएगी? जी कांग्रेस आएगी। पिछली बार तो आप लोगों ने कुछ रोटी पलटी थी, अब क्या हो गया? अरे अब हो गया, जब यहाँ काम नहीं हो रहा है तो गरीब जनता परेशान है, किसान परेशान है, तो हमको लग रहा है इतने सालों में अकेले पड़ गया। नहीं, हम अकेले नहीं पड़े हैं, देखिए हम अकेले नहीं पड़े हैं। इनको भाई साहब को ये नहीं मालूम किसान को 6,000 रुपए भत्ता मिल रहा है, गाय गोरु मोदी जी ने नहीं कहा छोड़ दो, गाय गोरु मोदी जी ने नहीं कहा छोड़ दो। आप जब तक दूध खा रहे हो तो ठीक है, नहीं छोड़ दो उसको मोदी जी को दे दो, उसको मोदी जी को दे दो। जी इतने अनुशासन से कोई उंगली उठाए जरूर आ जाना। देखिए पहली बात तो भारत का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, पूरी देश की जनता जागरूक हो चुकी है, और सब जब पूछा जाता है तो कहते हैं सब सही है, 13 रुपए किलो चीनी मिल रहा है, 400-300 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, और अब की वोट कोई धर्म पर नहीं पड़ेगा, अब की रोजगार पर पड़ेगा, महंगाई पे पड़ेगी। जैसे कि भारत की स्थितियाँ गड़बड़ हो चुकी है, उसे सुधार करने के लिए अब की मतदान पूरे भारत में कांग्रेस को ही पड़ेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शारदा प्रसाद है। और दूसरी बात यह है कि ऊंची खाट फटा लंगोट, ऊंची खाट ये देश का सबसे बड़ा आवाज है, पूरे देश की बात कर रहे हैं। सर हम तो कह रहे हैं कि अब राशन के लाइन नहीं लगेगा, ना ही तो वोट देगा कोई, अब तो रोजगार के लिए वोट देगा कि लाइन में हम लगे, हमको नौकरियां मिले, हमारा भविष्य उज्जवल हो, मेरा आने वाला दिन कल हो, है ना। धर्म एक आस्था है, भक्ति करना अच्छी बात है, गोबर खाना गलत बात है, बादाम खाना दिमाग आना, तो एक धर्म की जो आन लेकर जो राजनीति कर रहे हैं गलत बात है। आस्था सबके अंदर है, हिंदू भी है मुसलमान भी है। ऊंची खाट फटा लंगोट देकर मर गया भाजपा को, सोचा था फटी हुई बनियानी पे नया शर्ट आएगा, क्या पता था कि बाद में पतलू उतर जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।